नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। जीते रहो राजू बेटा, अच्छा हुआ तुम मिल गए। अब मैं मरने से पहले सीमा के सर पर सेहरा बंधा हुआ देख सकूंगी। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं भगवान की पूजा कर लूं। राजू तुम्हें याद है बचपन में हमने एक तस्वीर साथ खिंचवाई थी? हाँ मुझे याद है। वो देखो, ये तस्वीर मामा जी ने निकाली थी ना? तुम्हें तो सब कुछ याद है। लेकिन मामा जी नजर नहीं आए। ओए ओए, किसने हमें याद किया? आया पकड़ में, ये तोड़ू राम मेरे घर में कैसे आ गया? मामा ये राजू है। मैं पहचाना नहीं, कौन राजू? पकड़ में नहीं आया। मेरे बचपन का साथी। अब पकड़ में आया वह राजू, साथी तेरे नाम वाला। राजू तुम लॉस्ट एंड फाउंड के कौन से दलदल में धस गए थे बेटे? अरे सीमा से ज्यादा तो मैं तुमको याद करता था। प्रभु आज कैसा शुभ दिन दिखाया, अरे खोया हुआ पाया। सीमा राजू का मुंह मीठा कराया? अभी नहीं। तो जा बेटी, जा जाके लड्डू ले आ। अभी लाती हूँ। राजू तू खड़ा क्यों है? बैठ जा पुत्र, बैठ जा। अच्छा तो तुम राजू हो ना? जी हाँ। तो जरा अपना खाना खाने वाले हाथ की हथेली दिखा दो। मैदान साफ है, आया पकड़ में, मेरा शक सही निकला। आपका मतलब नहीं समझा। मतलब मैं समझाता हूँ। राजू के सीधे हाथ पर काला तिल था जो आपके हाथ पर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप राजू नहीं हैं। जी मैं लेकिन घबराओ नहीं बालक, मैं तुम्हारा पांडा नहीं फोड़ूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। नहीं आया पकड़ में? अरे सूखे शुक्रिया से क्या होता है, कोई हरी भरी बात करो। धर्म खाते में चंदा देना होगा। चंदा? आओ ए बंदा, एक मंदिर बनवा रहा है। मंदिर का सब कुछ तो पूरा हो गया है, खाली दरवाजा बनना बाकी रह गया है। उसके लिए 25,000 रुपए की जरूरत है। अगर आप 25,000 रुपए दे दो तो दरवाजा बन जाएगा, चोरी चकारी का डर कम हो जाएगा। तो आप कब तक दे दोगे 25,000 रुपए? आप मुझे 3 दिन की मोहलत दे सकते हैं? आया पकड़ में। लो राजू काले तिल के लड्डू खा लो। आया पकड़ में काला तिल का लड्डू। चलो सीमा, कवाली की रिहर्सल का टाइम हो रहा है। कवाली? हाँ मामा, मौर्य रिलीफ फंड के लिए हम लोग कवाली का एक चैरिटी शो कर रहे हैं। तुम लोग जाओ, मैं कल रिहर्सल पर आऊंगी। क्यों आज क्यों नहीं? आज मुझे मेरा खोया हुआ राजू मिल गया है। चलो राजू। जाओ बेटा राजू जाओ। सीमा की जगह आज मैं रिहर्सल में नहीं चल सकता। अच्छा भजन गा लेता हूँ मैं भी। नहीं आया पकड़ में। माय गॉड, इसने तो चक्कर चला लिया। लेकिन मेरा नाम भी राजेश है। मेरे होते हुए तुम एक मासूम लड़के की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ओए कौन है? वो आदमी है, वो आपकी तारीफ। बंदे को राजेश कहते हैं। ओए राजेश तो खन्ना भी है, ये तो नाम है। आपको काम क्या है? मैं सीमा का मामा हूँ। सीमा जी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। आया पकड़ में, सीमा का एक और आशिक। जी? मेरा मतलब ये है कि आप सीमा से प्यार करते हैं ना? जी नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सीमा आजकल जिस लड़के के साथ घूम रही है वो कली कली का रस चूसने वाला एक भमरा है। तो इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है जी? देखिए दरअसल बात यह है कि मैं नहीं चाहता एक शरीफ लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए। ओए, मैं तो आपको गलत समझ गया था। आप तो बड़े उच्च विचारों के मनुष्य निकले, मगर क्या है कि मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ। आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। क्या हुआ? बेटे मैंने एक मंदिर बनवाया है,
और उस मंदिर का दरवाजा खड़ा करने के लिए राजू ने 25,000 रुपए देने का वादा किया है। अगर उस मंदिर का दरवाजा खड़ा नहीं हुआ तो मैं तो बैठ जाऊंगा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरी मिट्टी इज्जत में मिल जाएगी, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे देश की धरती मिट्टी उगले उगले सोना चाहिए। 25,000 मैं दे दूंगा आपको। अरे आप तो आत्मा है, धर्मात्मा है, परमात्मा है, अगर आप 25,000 दे दें तो मैं तो राजू का 25 जन्म मुनि देखूंगा, और अगर आप 50,000 दे दें तो मेरे मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। अरे दे देना, अरे दे दो बेटे, मैं कोशिश करूंगा। अरे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। अरे आया पकड़ में, 50,000 इसके तो 25,000 उसके, अरे 75,000 ही हो गया, गुलबहार ही हो गया, चका चका चका। दीपक जी मैं रेडी हूँ, क्या करना है? जयश्री जी मैंने वो सीन सुनाया था ना किडनैप वाला। हाँ वो सीन जिसमें मुझे बदमाशों का एक गैंग किडनैप कर लेता है ताकि मेरे अमीर बाप से 5,00,000 रुपया वसूल कर ले, वही ना? हाँ वही। जैसे ही आप अपनी गाड़ी में बैठती हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि ड्राइवर के बजाय उसमें एक गुंडा बैठा हुआ है। और मेरा ड्राइवर गायब है। अभी तो शॉट ले रहे हैं जिसमें आपको गाड़ी में बैठना है और गाड़ी स्टार्ट होने का कुछ मूवमेंट। ओके मेकअप रेडी लाइट्स अप। नहीं नहीं ट्राली और ज़ूम करते हैं। अरे क्लैप ला रहे हैं। हां जी टेक ना। हां जी टेक। दीपक ये शॉट टॉकी और साइलेंट ऑर्डर प्लीज। साइलेंट नहीं रे, गाड़ी का साउंड लेना है ना। हां जी भूल गए। स्टार्ट साउंड 75:1 टेक 1 एक्शन ज़ूम। कट इट। ओके लॉर्ड साहब एकदम हॉलीवुड। अब नेक्स्ट ना कैमरा उधर। हाँ, चलो रे। अरे ये ड्राइवर पागल हो गया क्या, गाड़ी को नहीं रोकता। दीपक जी दीपक जी ड्राइवर तो उधर बंधा हुआ पड़ा। क्या तो फिर गाड़ी कौन ले गया? दीपक जी कहीं रियल तो किडनैप नहीं किया जयश्री को? जी हाँ मैंने आपको किडनैप कर लिया है और अपने आप को आजाद करने के लिए मुझे 50,000 रुपया चाहिए। मिस्टर दिस इज माय इंसल्ट, आपने जयश्री टी को किडनैप किया है और आप सिर्फ 50,000 रुपया मांग रहे हैं? जी और नहीं तो क्या, आपको कम से कम 5,00,000 रुपए मांगने चाहिए। सच आप मुझे 5,00,000 रुपया देंगे? मैं नहीं, मेरे वो 20 प्रोड्यूसर्स देंगे जो मेरा माल खा गए। कम से कम इसी बहाने मेरा डूबा हुआ पैसा तो निकल जाएगा। लेकिन उन लोगों से पैसा कौन वसूल करेगा? मेरा सेक्रेटरी। हेलो। हाँ बाबा हम सब प्रोड्यूसर से पैसा लाया, पूरा 5,00,000 जी। शाबाश, तो फिर जो जगह मैंने बताई थी उसी जगह माल लेकर पहुंच जाना, ठीक है? ₹4,00,000 निकाल के मेरे सेक्रेटरी के हवाले कर दो। अयो गड्ड, थैंक यू जी। बाकी इस बैग में जो 50,000 रुपए हैं वो तुम्हारा कमीशन। कमीशन? हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे किडनैप ना करते तो मेरे प्रोड्यूसर्स मेरा माल खा जाते। आयो आयो अम्मा, उधर जाइए, उधर जाइए, पकड़ो पकड़ो, छोड़ो मत उसको। चलो भागते भूत की लंगोटी से। Thank you.
लगता है उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। MRZ4222 ऐसा कर, तू यहीं ठहर, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखा के आता हूँ। अरे सुन सुन, तू कहे का तकलीफ उठाता है, मैं रिपोर्ट लिख के आता हूँ। चल नहीं तो फिर दोनों ही चलते हैं। दोनों चलते हैं। कौन है आप लोग? थानेदार साहब। थानेदार साहब, काली गाड़ी हो गई गायब। पहले काटे, उसने चक्कर, फिर वो गिर गई झील के अंदर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, साहब। कौन हो तुम? मैं प्रिया बैंक का चौकीदार हूँ साहब। क्यों, क्या बात है, ये खून कैसा? कुछ देर पहले 5 डाकुओं ने हमारे बैंक को लूट लिया है साहब। ये दस्ताना? उन 5 में से एक को मैंने पकड़ लिया था साहब, खींचतानी में ये दस्ताना मेरे हाथ लग गया। इंस्पेक्टर देशपांडे। यस सर। आप फौरन प्रिया बैंक चले जाइए। जिस डाकू का ये दस्ताना है, शायद उसकी उंगलियों के निशानात हमें वहां मिल गए। ओके सर। अच्छा तो तुम ये बताओ कि उन 5 डाकुओं में से किसी का हुलिया तुम्हें याद है? उन 5 के चेहरे पर नकाब ढका हुआ था साहब। जिस गाड़ी में वो लोग करोड़ों का माल लेकर फरार हुए, वो गाड़ी काली ब्यूक थी साहब। ब्यूक, काले रंग की। उस गाड़ी का नंबर बता सकते हो? उस गाड़ी का नंबर है MRZ4422। MRZ4422। अच्छा ये बता सकते हो कि वो गाड़ी किस तरफ गई? अरे ये लोग कहां गए? ले भाई, ये रुपए तू ले ले। ये काया पलट किस खुशी में? आज से हमारी दुश्मनी खत्म और दोस्ती स्टार्ट। ये 50,000 रुपए तू ले ले। यार एक काम करते हैं, ये 25 तू ले ले, ये मेरा 50-50। मुबारक हो तुझे भी। पहले तू बोल, पहले तू बता। नहीं नहीं पहले तू बोल, बोल दे। मैं तुझे ये कहने आया हूं, वो जो काली गाड़ी झील में गिर गई ना, अरे जिसमें करोड़ रुपए हैं, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे वॉट अ टेलीपैथी यार, मैं भी तो ये कहना चाहता था कि उस काली गाड़ी में मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। ले फिर गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। उस्ताद, जानते हो मैंने तुम्हें 25,000 रुपए किस लिए दिए थे? ताकि मैं क्रेन का भाड़ा दे सकूं। काफी समझदार हो। ऐसा नहीं हो सकता कि इस माल को हम 50-50 कर ले हैं? क्या उस्ताद, अगर मैं यहां गोली चलाऊं तो तुम्हारा भेजा 50-50 हो जाएगा, और अगर मैं यहां गोली चलाऊं तो तुम्हारी आंखें 50-50 हो जाएंगी, और अगर मैं यहां गोली चलाऊं तो तुम्हारा थोबड़ा 50-50 हो जाएगा। घबराओ नहीं, ना तो मैं तुम्हें 50-50 करूंगा और न माल को। शराफत से कार की डिक्की से माल निकालकर मेरे हवाले कर दो। कमाओ। तुमने तो मुझे 50-50 नहीं किया, मगर मैं तुम्हें 50-50 जरूर करूंगा। तेरा 50 तो पूरा हो गया, अब बाकी 50 मैं पूरा करता हूं। Thank you.
सिर्फ 50, 60 नहीं। उस्ताद, कहानी फिर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। अब डिक्की से माल निकालो। लगता है माल गाड़ी में है। गायब और लाशें भी सिर्फ तीन। बैंक का गुरखा बोलता था कि पांच नकाबपोश थे। इसका मतलब दो डाकू माल लेकर खिसक गए। गाड़ी रोको, कम ऑन। चार और पांच। क्या मतलब? पहले डाका मारते हो फिर मतलब पूछते हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, ये सूरत आपको डाके वाली नजर आती है क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कोई डाका वगा नहीं मारा। अरे साहब, हम तो मछली पकड़ने आए थे। क्यों? हाँ। तूने जाल का रखा पता अभी? वो जाल तो मैंने, हाँ जाल तो बहुत अच्छा है, मगर जाल में मछली की जगह ये गाड़ी फंस गया। जी हाँ। गुड नाइट। लौट जाओ। साहब, डायरेक्ट करने का माल गाड़ी में नहीं है। क्यों, माल कहाँ छुपा रखा? अरे इंस्पेक्टर साहब, जब हमने डाटा ही नहीं डाला तो हम लोग माल कहाँ से छुपाएंगे? इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों बेगुनाह हैं। इसका फैसला तो अदालत करेगी। पांडवा, इन दोनों को हथकड़ी पहना दो।